जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में 5 आतंकियों का समूह फंसा है। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जहां पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके का घेराव इस वक्त कर लिया है। सुरक्षा बलों पर ये आतंकी गोलीबारी कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है, गोलीबारी अभी भी जारी है। सेना के काफिले पर इन आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। तो आपको बताया कि ये आतंकी जो कि इस वक्त घिरे हुए हैं, सेना के जरिए घेरे गए हैं, सेना के ऊपर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ में इसी खबर पर ताजा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, 5 आतंकियों के समूह को घेरा, सेना ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, क्या कुछ स्थिति उस वक्त वहां पर है? जी देखिए, इस समय आतंकियों की घेराबंदी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने की हुई है। और दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस समय सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम जो है वो संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें 5 आतंकियों पर लगातार नजर गड़ाई हुई है और दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी जो है वो इस समय जारी है। हालांकि पहले 6 लोगों को जो है इन आतंकियों ने बंधक बनाया था, जिसमें से 5 लोगों को बचा पाने में अभी हमारे साथ बने रही है। दरअसल दर्शकों को हम दिखा दें ये तस्वीरें, जो की काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। इस वक्त सीधे घटना स्थल से आ रही है, जहां पर कॉम्बिंग के साथ साथ में सेना का ये मार्च जो की इस वक्त दिख रहा है। हमारे जवान इस वक्त उस इलाके को घेर करके उन आतंकियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में हैं। हालांकि इस बीच में दोनों तरफ से गोलीबारी है और ये तस्वीरें जो कि आप R9 टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, ये जो कि आसमान में काले धुएं जैसी स्थिति दिख रही है, जहां पर गोलीबारी की वजह से कुछ जगहों पर आग भी पकड़ी है। और ऐसे में सेना की प्राथमिकता यह है कि उनको किसी तरीके से जिंदा गिरफ्तार किया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये खास तस्वीरें जो कि R9 टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से उस जगह में जहां पर एक एनकाउंटर की सी स्थिति है, जहां पर आतंकियों के जरिए भी फायरिंग की जा रही है। 5 आतंकी हैं जो कि बताए जा रहे हैं, जो कि सेना के रडार पर पहले से ही थे। रामबन जिला है ये, जहां पर इस वक्त सेना की तरफ से ये प्रहार चल रहा है।